हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंजंक्शंस। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को स्टडी किया था। चार प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें थे कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ये चार प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब बचे हैं चार प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। जो पांचवे प्रकार का फिफ्थ टाइप कंजंक्शन ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो एक कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन का अर्थ होता है शर्त, ठीक है। एक शर्त रख दी जाती है आपके सामने, उसको बोलते हैं कंडीशन। देखिए, वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एडवर्ब क्लोजेज ऑफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इन वाक्यांशों में, इन क्लोजेज में कंडीशन आएगी, कोई ना कोई शर्त आएगी। देखिए कैसे आएगी। देखिए, सबसे पहला हमारा जो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है वो है इफ, यानी कि यदि। हिंदी में इसको बोलते हैं अगर। यदि ही विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन, वह तुम्हें निकाल देगा यदि तुम फिर से देरी से आए, या फिर तुम्हें फिर से देर हुई। अगर तुम्हें दोबारा से देर हुई या तुम दोबारा से देरी से आए, तो वह तुम्हें निकाल देगा। यदि, ये देखिए शर्त ही तो है कि अगर तुम दोबारा से लेट हुए तो वो तुम्हें निकाल देगा। एक शर्त है, ये एक कंडीशन रख दी गई है कि इस बार अगर लेट मत हो जाना, लेट हो गए तो बाहर निकलोगे, ठीक है। ही विल डिसमिस यू इफ़ यू आर लेट अगेन। तो ये जो इफ़ है हमारा, ये हमारा कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, क्योंकि ये इस वाले क्लोज को इस वाले क्लोज के साथ जोड़ रहा है, इन दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ रहा है। यही काम है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। सेकेंड देखिए, एज इफ़, इसको बोलते हैं मानो की। हिंदी में बोलते हैं मानो की। कैसे, देखिए, शी बिहेव्स एज इफ़ शी वर मैड, वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे वह पागल हो। वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे वह पागल हो। तो सो ये जो एज इफ़ है, मानो की, ये हमारा कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है जो कि यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि शी बिहेव्स और शी वर मैड, इन दोनों क्लोजेस को आपस में ये जोड़ता है हमारा एज इफ़। जैसे इसका अर्थ है शी बिहेव्स, वह ऐसे बर्ताव करती है मानो कि वह पागल हो, ठीक है। तो ये एज इफ जो है हमारा कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन ही शो हो रही है। अनलेस का मतलब जान लेते हैं। अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि। ही कैंट बी पार्डन्ड अनलेस ही कन्फेस हिज फॉल्ट, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अपनी गलती ना मान ले। उसे माफ़ नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अपनी गलती ना मान ले। जो जब तक की है, इसको बोलते हैं अनलेस, और अनलेस ही हमारा है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्या है? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोवाइडेड दैट। देखिए, एक होता है प्रोवाइडेड, खाली प्रोवाइडेड, एक होता है प्रोवाइडेड दैट। दोनों का अर्थ होता है बशर्ते की। क्या होता है? बशर्ते की। अब देखिए, आई एग्री टू दीज टर्म्स प्रोवाइडेड दैट यू एग्री टू माइन। देखिए यहाँ पर दो क्लोजेज हैं, आई एग्री टू दीज टर्म्स, यू एग्री टू माइन, और हमारा जो कंजंक्शन है ये प्रोवाइडेड दैट, ये इन दोनों क्लोजेज को आपस में जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है? देखिए, ये इसका अर्थ समझिए पहले। आई एग्री टू दीज टर्म्स, मैं इन शर्तों से सहमति भरूंगा या फिर सहमत होऊंगा। आई एग्री टू दीज टर्म, मैं इन शर्तों से सहमत हूँ, बशर्ते कि, यानी एक शर्त रख दी गई, एक कंडीशन रख दी गई, बशर्ते कि यू एग्री टू माइन, बशर्ते कि तुम भी मेरी शर्तों से सहमति भरो, यानी तुम भी मेरी शर्तों के साथ सहमत हो, ठीक है, एग्री हो, सहमत हो। तो यहाँ पर इस वाली क्लोज को, यू एग्री टू माइन को, आई एग्री टू दीज टर्म्स के साथ जोड़ रहा है हमारा प्रोवाइडेड दैट, जिसका अर्थ होता है बशर्ते कि। आई एग्री टू दीज टर्म्स, बशर्ते कि, प्रोवाइडेड दैट यू एग्री टू माइन, तुम भी मेरी शर्तों से सहमति भरो, तुम भी मेरी शर्तों से सहमत हो, तभी मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत होऊंगा। तो एक कंडीशन रख दी गई प्रोवाइडेड दैट, यानी कि बशर्ते कि। तो ये थे हमारे कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स नंबर है हमारा कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। देखिए, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट दोनों का ही अर्थ होता है विपरीत, के विपरीत, यानी कि ऑपोजिट। ऑपोजिट ही दोनों का अर्थ होता है, यानी कि इसमें इस तरह के वाक्यांश हमें मिलेंगे, क्लोजेस मिलेंगी, जो एक दूसरे के विपरीत बात कर रही होंगी, जो एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रही होंगी। देखिए, परिभाषा सेम वैसे ही है, वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन को या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अवगत कराते हैं हमें एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन से, जो हमें विपरीत तरह के जो वाक्यांश हैं उनसे अवगत कराते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। जैसे हमारा पहला जो कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट है वो है ऑल दो, जिसको बोलते हैं हालांकि और फिर भी। दोनों का अर्थ इसी का होता है, हालांकि भी कह सकते हैं और फिर भी कह सकते हैं, ठीक है। वो हमें देखना होता है हम कहाँ पर उपयोग करेंगे, क्या
ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज़ पुअर, वह एक ईमानदार व्यक्ति है हालांकि वह गरीब है। तो हालांकि यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है ना कि फिर भी, ठीक है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है हालांकि वह गरीब है। तो जैसे देखिए, ही इज़ पुअर एक तो ये हो गया, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन एक ये हो गया, दोनों वाक्यांश एक दूसरे के ओपोजिट हैं, विपरीत हैं। वह गरीब है लेकिन फिर भी वह ईमानदार है, ऑल्दो ही इज़ पुअर। तो ये जो ऑल्दो है हमारा कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा। सेकेंड देखिए, दो, इसका अर्थ भी सेम ऑल्दो की तरह ही होता है, हालांकि और फिर भी। ही इज़ नॉट कंटेंटेड दो ही इज़ पुअर, देखिए वह संतुष्ट नहीं है, ही इज़ नॉट कंटेंटेड, ही इज़ वह संतुष्ट नहीं है दो फिर भी वह गरीब है, हालांकि वह गरीब है, ऐसे भी बोल सकते हो, फिर भी वह गरीब है, वह संतुष्ट नहीं है फिर भी वह गरीब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर, चाहे कितना भी, इसका अर्थ होता है चाहे कितना भी। ही विल नेवर पास हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई, वह कभी पास नहीं होगा, वह कभी सफल नहीं होगा, चाहे वह कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी मुश्किल कोशिश कर ले, कितना भी हार्ड प्रयास कर ले, कितना भी कठिन प्रयास कर ले, वो पास नहीं होगा। तो चाहे कितना भी के लिए हम हाउ एवर यूज़ करते हैं, देखिए मेहनत करेगा बहुत सारी लेकिन फिर भी पास नहीं होगा, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, ओपोजिट हो गए, इसलिए हम बोल रहे हैं इनको कंजक्शन ऑफ कंसेशन और कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ये हैं हमारे कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब देख लेते हैं हम कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं। नंबर 7 हमारे कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना। परिभाषा सेम इसी की तरह होगी, वे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, बस कंसेशन की जगह पर कंपैरिजन आ जाना है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तुलना, तुलना होती है यहाँ पर एक तरह से, देखिए हमारे दो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, एज इसका मतलब उतना जितना, ही इज़ एज क्लेवर एज आई, वह इतना चतुर है जितना मैं, वह उतना चतुर है जितना मैं, उतना जितना, ही इज़ एज क्लेवर एज आई, ठीक है। तो एज का उपयोग यहाँ पर उतना के लिए किया गया है। देन एक और होता है देन, देन यानी हम तुलना करते हैं ऐसे, तो मुझसे बड़ा है ये, मुझसे छोटा है, वह बिल्डिंग उससे बड़ी है, इस तरह हम तुलना करते हैं ना। ही इज़ टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबा है, टॉलर यानी लंबा, वह तुमसे लंबा है, ही इज़ टॉलर देन यू। तो देन का हम उपयोग करते हैं तुलना के लिए। तो ये 7 जो है हमारा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, इसमें तुलना की जाती है। हमारे पास दो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, एज और देन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए लास्ट हमारा कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर। एक्सटेंट और मैनर को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमाएं। तो सीमाओं की बात होती है इस तरह के वाक्यांश में, वहाँ पर हम जो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर। इसकी परिभाषा भी पहले की तरह ही है, वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एडवर्ब्स क्लोज ऑफ एक्सटेंट और मैनर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो सीमाओं की बात होती है जिन वाक्यांशों के अंदर, वहाँ पर हम इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ये हमारे पास एकमात्र अकॉर्डिंग एज एक कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर है, एज भी है और अकॉर्डिंग एज भी है। फिलहाल आप अकॉर्डिंग एज को देखिए, इसका अर्थ होता है के मुताबिक या के अनुसार। ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज देवर फिट, ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज देवर फिट, यानी कि उन्होंने कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट थे उनके फिट होने के अकॉर्डिंग, उनके फिट होने के मुताबिक उन्हें उनका चयन किया, उन्हें चुना, ठीक है, उन्हें सेलेक्ट किया, यानी कि उनके फिट होने के मुताबिक। अब यहाँ पर एक्सटेंड की बात कहाँ से आ गई, सीमा, क्योंकि एक सीमा अगर उन्होंने दी थी कि आपको ये क्राइटेरिया है पास होने के लिए, और उस सीमा के अंतर्गत वो आ गए, तो उसको एक्सटेंट बोला जाएगा, ठीक है, उसको मैनर बोला जाएगा, वो क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल सीमाओं में फिट बैठते हैं, इसलिए उसको एक्सटेंट बोला जाएगा। ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज देवर फिट, उन्होंने कैंडिडेट्स को चुना क्योंकि वो फिट थे, उनके फिट होने के अनुसार के अकॉर्डिंग के मुताबिक उन्होंने उनको चुना। तो अकॉर्डिंग एज हमारी एक कंजंक्शन है जिसको हम कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर बोलते हैं, ठीक है। अब एक नोट देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने टिल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बट तथा बिफोर, इनका यूज़ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों के रूप में होता है, ठीक है, या तो प्रेपोजिशन के रूप में हो जाता है या फिर कभी कभी कंजंक्शन के रूप में हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स है, देखिए कैसे कैसे होता है। स्टे टिल फ्राइडे, ये प्रेपोजिशन से, ये कंजंक्शन से, यूज़ एज प्रपोजिशंस। स्टे टिल फ्राइडे, शुक्रवार तक रुको, शुक्रवार तक रुको, तो प्रपोजिशन के रूप में टिल का उपयोग हुआ है। ऐसे आई शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक तुम आओगे, टिल यू रिटर्न। यहाँ पर दो क्लोजेस को जोड़ा जाता है, हमेशा दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं कौन, कंजंक्शंस, लेकिन ये काम प्रपोजिशंस नहीं करते, ठीक है। आई शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न। द डॉग रन आफ्टर द कैट,
कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा या कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आफ्टर का यूज़, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, मेरे निकलने के बाद वह आया, मेरे निकलने के बाद वह आया, ये भी यहाँ पर इसको और इसको जोड़ रहा है इसलिए कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट मेट हर सिंस ट्यूजडे, वह उसे मंगलवार से नहीं मिला है, ट्यूजडे से नहीं मिला है, ही हैज़ नॉट मेट हर सिंस ट्यूजडे, की सिंस का यहाँ पर उपयोग हुआ है से के लिए। ही विल गो सिंस यू डिज़ायर इट, वह जाएगा चूँकि तुमने इच्छा की है, यहाँ पर जो अपना सिंस है इसका जो अर्थ है वो है चूँकि, ना कि से, ठीक है। तो कंजंक्शन के रूप में हम इसका कभी कभी से के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और कभी कभी चूँकि के लिए भी, जैसे यहाँ पर किया है ही विल गो सिंस यू डिज़ायर इट, वह जाएगा चूँकि तुमने इच्छा की है, चूँकि तुमने इच्छा की है। तो ये एक नोट था जो कि आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस के रूप में कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो आज हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पूरे 8 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं, 4 हमने पिछले वीडियो में किए थे और 4 हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। अब हम कुछ और प्रकार के कंजंक्शंस की बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड कंपाउंड कंजंक्शन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंजंक्शंस के साथ। थैंक यू।